जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी अपडेट, भर्ती निकल कर आया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ और भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है कि छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग में जो है 3000 पदों पर जो है सबसे बड़ी बम्पर भर्ती आप लोगों के लिए निकल कर आया है। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप जो है इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शैक्षणिक योग्यता इसमें सिंपल आपका जो है 12वीं पास है, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 5 वर्ष के हैं, अब 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है आयु सीमा में देखने को मिलता है। तो समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के पोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए निकल कर आया है और 3000 पदों पर जो है भर्ती होना है। राज्य गठन के बाद पहली बार आप लोगों के लिए 3000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती और सीधी भर्ती निकल कर आया। इस वीडियो में आप लोगों को सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी जानकारी जो है मिलने वाला है, तो लास्ट तक वीडियोज़ को जरूर देखिए। सहकारिता विभाग में 3000 वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें आपके 3000 पदों पर जो है भर्ती होना है, जिसमें आपके 1700 पद जो है समिति प्रबंधक के हैं एवं 2058 पोस्ट जो है आपके सोसाइटियों में हर 5 समितियों पर जो है एक सुपरवाइज़र का पद जो है आप लोगों के लिए निकला है। तो सुपरवाइज़र के कुल टोटल 2058 पोस्ट हैं, समिति प्रबंधक के 1700 पोस्ट है। तो छत्तीसगढ़ में राज्य गठन के बाद पहली बार जो है सहकारिता विभाग में 3000 पदों पर जो है आपका भर्ती होना है। शैक्षणिक योग्यता जैसे मैंने आपको बताया 12वीं पास है, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, वही एज लिमिट में ये एससी और एसटी का डिग्री वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी का डिग्री वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का। तो यदि आप एससी और एसटी का डिग्री वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं, यदि आप ओबीसी का डिग्री वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के आप इसमें आसानी से फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। वहीं हम बात करें वेतन सैलरी के, तो इसमें 15000 रुपये से लेकर 40000 रुपये जो है आपको प्रति माह सैलरी दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है रिटर्न एग्ज़ाम से लिखित परीक्षा होता है और उसके बाद जो है इंटरव्यू साक्षात्कार होता है। जी हाँ, इसमें जब तक आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम्स क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आपका सिलेक्शन जो है नहीं हो पाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको इंटरव्यूज़ के बारे में जो है सबसे पहले सोचना है, सबसे पहले तो आपको रिटर्न एग्ज़ाम्स के बारे में सोचना है कि रिटर्न एग्ज़ाम्स में मैं किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता हूँ, किस तरह से कितने नंबर लाना है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो आपको बताना चाहता हूँ कि सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र भर्ती के लिए आपके जो है मैथ्स हो गया और रीजनिंग, ये दो चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने में आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट है और इफ़ेक्टिव है। आप जो है मैथ्स और रीजनिंग की किस तरह से तैयारी कर सकते हैं, आपको मैथ्स और रीजनिंग के बारे में परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है मैथ्स और रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना चाहिए। तो गणित में आपका जो अनुपात रहता है, सम अनुपात, ज्यामिति, त्रिज्या, बीजगणित, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लघुगणक रहता है। तो यदि आप गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो गणित की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का आपको जो है बुक लेना है। डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक में जो है सभी जानकारी जो है बहुत अच्छे से आपका दिया रहता है कम्प्लीटली। डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक में आपको जो है कम्प्लीटली नॉलेज जो है मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। इसके साथ हम बात करें रीजनिंग के, रीजनिंग में आपका जो है लॉजिक, तार्किक, वस्तुनिष्ठ, अंकगणित आता है। तो रीजनिंग के लिए आपको जो है अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, ये सभी जानकारी आपको जो है दिया रहता है। तो रीजनिंग के लिए आप ये ले सकते हैं। वहीं हम बात करें छत्तीसगढ़ के बारे में, तो जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति आपको कम्प्लीटली जानकारी चाहिए, तो सी जी व्यापा में यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक के, तो छत्तीसगढ़ के यदि आपको कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको हरिराम पटेल सर का कॉम्पिटिशन एकेडमी का आपको जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपके एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में जो है कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज मिलेगा। आप जो है कॉम्पिटिशन एकेडमी छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन का बुक जो है ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूँ टूटेजर ट्यूटोरियल्स का भी आप जो है छत्तीसगढ़ ले सकते हैं, सामान्य ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आपको करंट अफेयर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, समसामयिक घटना चक्र के बारे में, सम
साइकिक घटना चक्र के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के नॉलेज, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स के नॉलेज के आप कंपटीशन एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए सीजी करंट अफेयर्स की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको विकास परक का मासिक पत्रिका लेना है, इसके साथ ही आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है, जिससे आपके करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो पाएगा। और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स के लिए आपको जो है प्रतियोगिता दर्पण लेना है, प्रतियोगिता दर्पण जो आपके मंथली मैगजीन रिलीज़ होता है। तो इस तरह से आपके जो है कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगा और करंट अफेयर्स के आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और सहकारिता विभाग में जो है 3000 पदों पर जो है आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है, तो इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और जो भी आपके सपने हैं गवर्नमेंट जॉब का मिलना, वो सपने आपके पूरे हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की जो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के 3000 पदों पर जो है सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आप सभी स्टूडेंट के लिए आया, तो 3000 पोस्टों में आपका जो है सिलेक्शन होना चाहिए। इतने अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। बात करें कि सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और सुपरवाइज़र के 3000 पदों के लिए आपको आवेदन कब करना है, तो इसके लिए जो है आपका आवेदन जो है अगले साल जो है फरवरी मार्च में जो आपका एग्ज़ाम्स होगा, अभी नहीं होगा, तो आप लोगों के पास टाइम है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए। एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कीजिए जिससे आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए और आप जो है सहकारिता विभाग में समिति प्रबंधक और समय और सुपरवाइज़र बन जाए। तो इन सभी बुक से जो आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है अवश्य रूप से क्वालिफाई हो जाएगा। तो इन सभी बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप आसानी से बुक ऑर्डर कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में फैमिली में शेयर कीजिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उन तक वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। तो छत्तीसगढ़ में जो है एक के बाद एक जो है नई वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और टीचर भर्ती के लिए आपका जो है सीजी टेट का एग्ज़ाम जो है 18 सितम्बर को आयोजित हो रहा है, तो 18 सितम्बर के होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप सभी स्टूडेंट को बेस्ट विशेष, एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो 18 सितंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम्स है, सीजी टेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो वीडियोस को देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करना, आप सभी के कमेंट का मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद आपका।